नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे हृदय रोग पर बात कर रही हूँ। हृदय रोग एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है और भारतवर्ष में हर 37 सेकंड में एक व्यक्ति इसका शिकार हो रहा है। पहले यह समस्या बड़ी उम्र के लोगों में ही देखी जाती थी, पर आज यंग जनरेशन इसकी बहुत अधिक मात्रा में शिकार हो रहे हैं और इसका जो कारण है वो हम स्वयं हैं। हमारा जो आहार है वो इसका सबसे प्रमुख कारण है। हमारा आहार, हमारी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का अभाव, तनाव, ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, ऐसी अनेक कारण हैं। जेनेटिक तो है ही, जेनेटिक में हम स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, पर बाकी और समस्याओं को हम रोक सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। सबसे पहले मैं आपको आहार पे बात कर रही हूँ। आहार हमारा क्या होना चाहिए और इसके जो उपाय हैं उसमें भी आपको आहार को बदलना, वॉक करना, योगा मेडिटेशन को अपनाना और अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित में करना, नमक का उपयोग कम करना, इस तरह से आप अपने रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको आहार पे बात कर रही हूँ। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर भी इसको बनाता है, लेकिन वो एक निश्चित मात्रा है और उतनी मात्रा तो शरीर में चाहिए कोलेस्ट्रॉल की। लेकिन जब हम आहार के माध्यम से, और कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो एनिमल बेस्ड मतलब चीज़ों से बनता है, जैसे आपका मांसाहार है, मिल्क प्रोडक्ट है, अंडे हैं, अंडे का पीला भाग है, फिश है, ये चीज़ें, दूध है, ये सब चीज़ें आपको एनिमल प्रोडक्ट से, इससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, इनसे हमें बचना है। और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड प्लांट बेस्ड फूड से बनता है जिसके अंदर नट्स हैं और ऑयल है, क्योंकि इनके ऑयल से ही पचने पर जो पाचन होता है तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। जब एक निश्चित मात्रा से ये हमारे शरीर में अधिक होते हैं तो ब्लड वेसल में जमने लग जाते हैं, और जब ब्लड वेसल इनसे भर जाती है तो वो ब्लॉक हो जाती है, तो ये हमारे हार्ट अटैक का या हार्ट की किसी भी समस्या को जन्म दे देता है। अब हमको इनसे कैसे बचना है? हमें अपने खाने में से सारे एनिमल फूड को हटा देना है, यानी मांसाहार, और इसके अलावा जो मैंने मिल्क प्रोडक्ट बताया और फिश या अंडे का योग, ये सब चीज़ें हटा दें। मिल्क केवल आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, वो भी 500 ग्राम के अंदर, और उसमें भी आप दूध और दही दोनों में से जो भी चीज़ लेना चाहें ले सकते हैं। 500 ग्राम से कम लें तो और ठीक है, नहीं तो इतना ले सकते हैं स्किम्ड मिल्क। और एनिमल फूड के बाद अब आता है प्लांट बेस्ड। आप कोई भी ऑयल यूज़ करेंगे, ट्राइग्लिसराइड बनेगा आपके शरीर में, इसलिए आपको कोई भी नट्स भी नहीं लेना है, किसी तरह का अपने आहार में तेल का प्रयोग नहीं करना है, उनसे बचना है। अब आप बोलेंगे कि हम फिर क्या खाएं? तो आहार में आपको होल ग्रेन, रोटी, सब्जी, सलाद, फल और स्किम्ड मिल्क का दही और दूध, आप इन चीज़ों का उपयोग करें। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और अभी आप नहीं हैं, जेनेटिक आपके परिवार में है, तो अपने आप को उन चीज़ों की मात्रा इतनी कम कर दें कि जिससे कि आपको ये समस्या हो ही ना, और अपने आहार में इन चीज़ों को अधिक से अधिक शामिल करें, जिसमें फल और सब्जियां, जो कैलोरी भी नहीं है, आपके इसमें कैलोरी नहीं जाएगी, और दूसरा इनके अंदर न तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा इन चीज़ों से, न
ना ट्राई भी ट्राई, तो आपको ये समस्या होगी ही नहीं। और अगर है तो धीरे धीरे, क्योंकि जो आपके शरीर में पहले से जमा है तो शरीर धीरे धीरे उसको खर्च करेगा, तो आपके शरीर में उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी जांच कराते रहना चाहिए डॉक्टर से, और उनके अनुसार ही आपको अपने जीवन को देख के चलाना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको पता, आप सोचेंगे कि हम तो ऐसा खा रहे हैं अब तो हमें होगा ही नहीं, लेकिन अब आपके शरीर में पहले से ही ज़्यादा है, तो जब कभी भी गलती करेंगे तो हो सकता है। इसलिए अपनी जांच अवश्य कराते रहें। और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, आहार की समस्या तो ये हो गई, अब आपको बताती हूँ एक्सरसाइज, योगा। और दूसरा, आपको ब्लड प्रेशर से बचना है यानी तनाव से बचना है, तो योग आपको इसमें मदद करेगा। और इसके अलावा आपको मैंने बोला कि नमक का प्रयोग आपको कम करना ही पड़ेगा। नमक की मात्रा मैक्सिमम 5 ग्राम 24 घंटे में। शुगर का प्रयोग नहीं करना है, उससे भी बचना है। और अब आप, मैं सीधे एक्सरसाइज पर आती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आप हृदय रोगी हैं तो आपको शुरुआत में बहुत हल्के व्यायाम करने हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगी। और अगर आप अभी हृदय रोगी नहीं है, आपने जांच करवा ली है, आपको ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मामूली है, तो आप सामान्य रूप से योगा को अपनाएं डेली रूटीन में। योग से आप तनाव मुक्त तो होंगे ही, धीरे धीरे शरीर भी, आपके इंटरनल ऑर्गन हेल्दी होते जाएंगे, तो आप रोग मुक्त तो भले ही ना हो लेकिन रोग पूरा कंट्रोल हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप अपने आप को स्वस्थ फील करेंगे। तो मैं अब आपको क्या करना है मैं ये बता देती हूँ। योग के अंदर आपको कुछ ऐसी क्रियाएँ बताऊँगी जो अगर आप हैं तो भी उनका उपयोग करें, और जो अभी नहीं है उनके लिए तो सामान्य रूप से हल्के फुल्के सारे आसन हैं, मगर हार्ट पेशेंट तो सब नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हाथ जोड़े, सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सांस की स्पीड के साथ हाथ को फैलाएं और पूरी सांस भरें और स्लोली स्लोली ब्रीद आउट, फिर से सांस भरे एंड धीरे धीरे सांस को छोड़े। आपको ब्रेथ होल्ड नहीं करना है, आप बस आराम से सांस भरे सांस को छोड़े। इस प्रक्रिया को आप 3 से 4 बार दोहराएं, और आप खड़े होके भी थोड़े आसन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि जो आप कर सकते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में है, पहला है ताड़ासन। सांस भरें, रेज योर बॉडी अप, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। मैं बहुत कम बार करूंगी, लेकिन आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। सांस भरें, ब्रीद इन, रेज योर बॉडी अप, ब्रीद आउट। ये था ताड़ासन। इसी के साथ आप तिर्यक ताड़ासन भी कर सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और ब्रीद आउट, बेंड योर राइट साइड, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरें और रिलैक्स। इसी को आप दूसरी साइड से भी करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरें, हाथ को ऊपर खींचे और ब्रीद आउट, बेंड योर लेफ्ट साइड,
सांस भरें और रिलैक्स हो जाएं। अभी आप मैंने आपको एक ब्रेथ की एक एक्सरसाइज बताई, उसके अलावा ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन बताया। अभी आपको गोमुखासन मैं करके बता रही हूँ। गोमुखासन का अभ्यास हार्ट के लोगों के, हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपको सिर्फ नी के ऊपर नी रखना है, ठीक है? दोनों एड़ी आपके हिप में लग रही है। अब जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले आए और दूसरे हाथ को नीचे से पीछे ले जाए। मैं आपको बोथ साइड से भी दिखा दूंगी। सांस भरें और अपने कंधों को पीछे खींचें और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे आ जाए। अभी आपको शुरुआत में, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, तो आधा मिनट से ज़्यादा किसी भी पोज में नहीं रुकेंगे। और इसी प्रक्रिया को अब मैं दूसरे पांव से भी करके बताती हूँ, जो कि मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी। घुटने तो ऐसे ही रहेंगे और ये देखिए, जो घुटना मेरा ऊपर है वो हाथ पीछे से गया और दूसरा हाथ नीचे साइड से आया और फिंगर्स को मैंने इंटरलॉक कर लिया। कंधे पीछे खींचे, पूरी सांस भरी है मैंने। नॉर्मल, अगर रुकना नहीं है, सांस रोक के रुकेंगे नहीं। अगर आप रुक पा रहे हैं ना, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकें। सांस को कभी भी रोकने का प्रयास ना करें। सांस भरें, सांस छोड़ें। सांस के साथ ही आपको पोज बनाते रहना है। और जब लगे कि बस आधा मिनट हो गया है, मैं थक गई हूँ, थकावट नहीं आने देना है और ब्रीद आउट करते हुए आप रिलैक्स हो जाए। बस हार्ट पेशेंट को कभी भी अपनी सांस को नहीं रोकना है। पोज में आप आधा मिनट रुकें, प्रैक्टिस के बाद एक मिनट रुकें, लेकिन रुकने पर भी सांस को लेंगे, छोड़ेंगे, शरीर को शिथिल रखेंगे, तनाव मुक्त रखेंगे। मैंने अभी आपको खड़े होके ताड़ासन बताया, तिर्यक ताड़ासन बताया, बैठ के मैंने हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग बताई आपको और अभी गोमुखासन बताया। इसी के साथ एक पोज बताती हूँ, वक्रासन। वक्रासन में एक पांव को बेंड कर लिया और एक पांव मेरा सीधा है, ठीक है? और अब दूसरे हाथ से हाथ को इधर ले आए और जो दाहिना हाथ है वो पीछे गया। इस पोज में आप रुकें, सामान्य रूप से सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस के साथ ही करेंगे। सांस भरते रहे, सांस छोड़े, आधे मिनट के बाद अपने शरीर को रिलैक्स कर दें। रिलैक्सेशन बैठ के आप इस तरीके से करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ें, सामान्य रूप से सांस भरें, सांस छोड़ें। इसी पोज को भी लेफ्ट लेग से करेंगे। ये देखिए, मैंने लेफ्ट लेग बेंड कर लिया है, राइट को फैला दिया है और अब राइट हैंड को मैंने लेफ्ट लेग के पास ले आई हूँ और दूसरा हाथ पीछे ज़मीन पर टिका हुआ है और पीठ सीधी है, आंखें बंद हैं। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस के साथ करना है। सांस भरें, सांस छोड़ें और बस आधा मिनट हो जाए। अगर आप पहले भी थक जाते हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को रिलैक्स कर दें, फ्री हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं। शरीर को कभी भी थकाएंगे नहीं, हार्ट पेशेंट बहुत सहजता के साथ ये करेंगे। अभी मैं आपको एक पोज और बता रही हूँ, बैठ करके इतना ही है, लेट करके है दो पोज, और उसके लिए मैं आपको पोज करके दिखा रही हूँ। लेटने के बाद सीधे से पेट के बल आ जाए और मैं आपको भुजंग आसन करके बता रही हूँ। सांस भरते हुए अपने ट्रंक को रेज करें, सांस भरें, सांस छोड़ें और लगे, अगर आप, मैंने जैसे बोला कि आप पहले थक जाते हैं तो ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। और अभी आप अगर आधा मिनट तक रोक पा रहे हैं तो सांस भरते हुए उठें और अब सांस लें, सांस छोड़ें, नॉर्मल ब्रीदिंग।
कोई प्रेशर नहीं ब्रेथ के ऊपर। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्सेशन आपको हर पोज के बाद करना ही है। तनाव मुक्त होने के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, और आपके रोग का कारण एक तनाव भी है आहार के साथ, इसलिए आप रिलैक्स हो जाएं अच्छी तरीके से। और हर पोज को शुरुआत पहली बार चाहे एक बार ही करें, लेकिन 2 से 3 बार आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद एक पोज और बता रही हूँ जो बहुत सरल है, वो है शलभासन। मुट्ठी थाई ज्वाइंट के नीचे, सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं, चिन जमीन पर, चिन को नहीं उठने देना है, और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आएं। और अब दूसरे पांव से भी करेंगे, सांस भरें, दूसरे पैर को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए और रिलैक्स हो जाए। ये तो कमर दर्द वाले एक पांव भी उठाएंगे, लेकिन अगर कमर दर्द नहीं है आपको तो आप इसी पोज को इस तरीके से भी कर सकते हैं। सांस भरें, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, सामान्य रूप से सांस भरें छोड़ें, और सांस छोड़ते हुए जब आधा मिनट या 15 सेकंड हो जाए तो नीचे ले आएं और रिलैक्स हो जाए। रिलैक्सेशन के लिए फिर से आपको ये पोज बनाएं, शरीर को शिथिल कर दें, सामान्य रूप से सांस लें, सांस छोड़ें, अपने आप को पूरी तरह से तनाव मुक्त करें। सीधे होके भी मैं आपको एक पोज बता रही हूँ, पवन मुक्त क्रिया आसन। बहुत सरल है और अच्छा भी है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, फैट लॉस के लिए भी अच्छा है। आपको दोनों घुटनों को पहले बेंड कर लें, दोनों को अपने हाथों से इंटरलॉक करें, और अब सीने से लगा लें, चिन को लगा लें, सांस भरें, सांस छोड़ें। इस स्थिति में आप 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड रुकें, और जब लगे तो ब्रीद सांस भरते हुए सामान्य रूप से पैरों को सरका के नीचे ले आए। इसके साथ ही एक पोज और है सीधे लेट के अभी, और इसमें फिर से दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और हाथों को फैला लें। ब्रीद आउट, गर्दन राइट साइड, लेग्स लेफ्ट साइड, सांस भरें, फिर से बीच में ले आए पैरों को, और अब अपोजिट साइड, ब्रीद आउट, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, सांस भरें, पैरों को फिर सामान्य स्थिति में ले आए। इसको आराम से 2, 3, 4 बार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत रिलैक्स पहुंचाती है, शरीर को आराम देती है, आपके थकान को दूर करती है। फिर से सांस भरें और फिर से इस स्थिति में लाएं। लास्ट वन, ब्रीद आउट और ब्रीद इन और रिलैक्स। इस तरीके से अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। अब आँख बंद कर लें, सारे आसन बस इतने ही, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आप अपने हृदय रोग को बचा भी सकते हैं, अपनी समस्या को कम भी कर सकते हैं, और अभी केवल शुरुआत है तो क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला, डॉक्टर से हमेशा अपनी जाँच करवाएँ, डॉक्टर को अपनी समस्या के बारे में बताएं, क्योंकि बिना डॉक्टरी जांच के आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी हार्ट की क्या स्थिति है।
तो मैंने अभी आपको जितनी चीज़ें बताई है ये तो आपको करना ही है, इसके अलावा बहुत थोड़े से प्राणायाम बता रही हूँ जिनका अभ्यास आपको तनाव मुक्त रखेगा, मन को शांत रखेगा, आपके हार्ट को और आपके लंग्स को भी हेल्दी रखेगा। इसमें है सबसे पहला कपालभाति। कपालभाति जिसको अभी बहुत सीवियर हार्ट पेशेंट है तो उस ना भी करें तो चलेगा, और करना ही है तो बस इतना धीमे स्ट्रोक लेंगे कि आपके शरीर में कोई झटका नहीं आए। देखिए ज्ञान मुद्रा तो आपको बनानी है, ज्ञान मुद्रा ने टच द टिप एंड फिंगर्स, हथेलियों का रुख आसमान की ओर और आपके जो हाथ हैं घुटनों पर होंगे। अगर आप वज्रासन में बैठना चाहें तो वज्रासन में बैठें, और अगर आप पद्मासन में बैठना चाहें तो पद्मासन में बैठें, और सामान्य रूप से बैठना चाहें तो क्रॉस लेग में बैठें। पोज आपका कोई भी हो, शरीर सीधा होना चाहिए। आप कुर्सी पर बैठें, पलंग पर बैठें, बेड के ऊपर बैठें, बस पीठ सीधी, ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। और हम ज्ञान मुद्रा बनाने के बाद अपने मन को शांत कर लेंगे। और हृदय रोगियों के लिए खास मुद्रा है जिसमें हम डाइजेशन वाली ये मुद्रा बना के फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा लेते हैं। मैं आपको सब तरफ से करके बता रही हूँ, देखिए ये, और या फिर पहले इसको ऐसे लगा लें और इनको मिला लें, ये हृदय मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा में बैठे और अभी आप बहुत धीरे स्ट्रोक के साथ कपाल भाती है। मैक्सिमम एक मिनट में 10 बार स्ट्रोक लेंगे, इससे अधिक आप नहीं ले सकते हैं। और इस कपाल भाति के बाद जो आपको करना है वो है नाड़ी शुद्धि, जिसे अनुलोम विलोम के नाम से आप जानते हैं। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में बहुत थोड़ा अंतर है। नाड़ी शुद्धि जो है वो साउंडलेस ब्रेथ है इसके अंदर, और धीमे धीमे लंबी गहरी श्वास भरते हैं हम, और अनुलोम विलोम में हम फास्ट करते हैं थोड़ा। तो मैं आपको आज नाड़ी शुद्धि करके बता रही हूँ। नाड़ी शुद्धि के लिए नासिका मुद्रा बनाएंगे, यानी फर्स्ट फिंगर, दो फिंगर्स को दबा लेंगे, नीचे मोड़ लेंगे, अंगूठा सीधा है और बाद की दो फिंगर्स भी सीधी हैं, ये नासिका मुद्रा कहलाती है। और मैंने लेफ्ट हैंड से हृदय मुद्रा बना रखी है। आँखें बंद करेंगे और अब अंगूठे से राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट को बंद कर दें, राइट से ब्रीद आउट। अब राइट से ही सांस भरेंगे, बंद कर दें राइट को, लेफ्ट से ब्रीद आउट। फिर से हम लेफ्ट से ही अब भरेंगे, राइट से ब्रीद आउट, राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से ब्रीद आउट। और अनुलोम विलोम में ऐसे करते हैं। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन नाड़ी शुद्धि का प्रभाव बहुत गहरे अंतर मन में जाता है, जो आपको तनाव मुक्त तो करता ही है, मन को बहुत शांत करता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि नाड़ी शुद्धि का प्रयोग करें, जो साउंडलेस ब्रेथ है, डीप लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी छोड़ेंगे। ये दोनों प्राणायाम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड में ही ला के फिर बंद भी करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि राइट से लें लेफ्ट में छोड़ दें पूरी करके, ऐसा नहीं है। आपको लेफ्ट से ही स्टार्ट करनी, लेफ्ट में ही ख़त्म करेंगे। और इसका कम से कम शुरुआत में, बेशक आप उतनी देर अगर ना बैठ पाएँ तो आप 2 मिनट करें, धीरे धीरे 5 मिनट से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें।
ये आपके निश्चित रूप से तनाव मुक्त करने के साथ धीरे धीरे आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होगी। और इसके अलावा ओम चांटिंग भी मन को शांत करता है, तनाव मुक्त रखता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी उसी हृदय मुद्रा में बैठें, आँख बंद करें और आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट सिर्फ ओम चांटिंग करें। अनुभव कर किया होगा आपने, ओम में मकार का कंपन आपके सिर के ऊपर बीचों बीच महसूस हो रहा है। यह आपके पूरे मस्तिष्क की नसों को रिलैक्स करता है, शांत करता है, जो कि आपके तनाव को कम करेगा। मैंने आपसे बोला हृदय रोग का एक कारण आहार के बाद तनाव ही है, जो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, और तनाव तो है ही, तो ये सबको कंट्रोल करता है। बस आप इतनी चीज़ों का अगर अभ्यास कर लें, सब ना भी कर सकें एक समय में, तो आप दूसरे समय में कर लें। एक समय आसन कर लें, दूसरे समय में प्राणायाम कर लें। प्राणायाम एक तो खाली पेट होगा, भरे पेट कोई भी प्राणायाम नहीं होता है, और जब जहाँ भी करें शांत वातावरण हो, खुली हवा हो, हल्की सूरज की रोशनी हो, अगर प्राकृतिक जैसा यहाँ आप देख रहे हैं चारों ओर हरियाली फैली हुई है, अगर हरियाली के बीच करते हैं तो निश्चित रूप से मन आपका बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि हरियाली हमेशा हमारी खुशी ही प्रदान करती है और जो हमारे रोगों को दूर करेगी। तो मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई, आहार, एक्सरसाइज यानी योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन का मेरा एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगी। मेडिटेशन आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है, तनाव मुक्त रखता है, मन को शांत करता है और आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। इसका अभ्यास अगर आसनों के बाद करना चाहें आसनों के बाद करें, और अगर आसनों के बाद आपके पास समय नहीं है तो रात में सोने से पहले करें। इन सब का अभ्यास करके 100% आप अपने रोगों से मुक्त तो हो सकते हैं अगर शुरुआती अवस्था है, और अगर शुरुआती अवस्था नहीं है तो आप कंट्रोल तो कर ही लेंगे। मेरे आज के बताए हुए अभ्यास और बातें, इनको करके अगर आप अच्छा फील करते हैं और इनके अभ्यास से आपको लाभ मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को दबाएंगे, और पसंद आएगा तो अवश्य लाइक करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।